अरे पकड़ो 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 उस चोर को पकड़ो 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 कहाँ भाग रहा है पकड़ो मारो उसे। अरे बाप रे, पकड़ा जाने पर मार कर भरता बना देंगे, जल से कहीं छिपना होगा। उफ, बच गया। इस गांव के लोग बहुत होशियार हैं। यहाँ पर चोरी करना मुश्किल है, कोई और गांव खोजना पड़ेगा। अरे अब ये कौन आ रहे हैं? उस्ताद, आप अगर इस तरह गांव छोड़ दीजिएगा तो मेरा क्या होगा? गांव में बारिश न होने की वजह से खेती बाड़ी सब बंद है। लोगों के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे बता? तब फिर कब लौट के आओगे? कम से कम एक साल लगेगा, तब तक तुम्हें अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, इन लोगों के गांव में अकाल पड़ गया है, अब मेरा क्या होगा? अगर सारे गांव में अकाल पड़ गया है तो मैं खाऊंगा क्या? ऊपर वाले आप ही रक्षा कीजिए, इस तरह से अगर कुछ दिन और रहा तो बूढ़े बच्चे खाए बिना भूख से मर जाएंगे। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऊपर वाले एक बार प्रकट हो जाइए, हमारे सामने आ जाइए, हम बहुत दुखी हैं, हमारा उद्धार कीजिए। अच्छा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस तरह से अगर चलता रहा तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, बिना बारिश के तो खेती का काम ही बर्बाद हो गया है। सारे खेत में फटकर दरारें पड़ गई हैं, ना तो अनाज है और ना ही साग सब्जी है। इस तरह से अगर चलता रहा तो जो बचा के रखा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, लग रहा है कि तुम लोग किसी परेशानी में हो? क्या परेशानी है मुझे बताओ। इतनी विकट परिस्थिति में आप हमारे गांव में पधारे हैं बाबा, हम लोग अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पानी की कमी के कारण हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, कोई शांति नहीं है। ये बात है, नहीं नहीं, मन को शांत रखो बेटा, अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या हम लोगों की पानी की समस्या दूर कर दीजिएगा? देखता हूँ तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। बाबा बाबा, इस कठिन परिस्थिति में आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। इस कठिन समय में आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। समय सबकी परीक्षा लेता है, जो विकट परिस्थिति में विजय प्राप्त कर लेता है वो ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। बाबा के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर मन प्रसन्न हो गया। दान से बड़ा पुण्य और किसी चीज में नहीं है, इसलिए दान करो और पुण्य कमाओ, इस पुण्य का फल तुम लोगों को जरूर मिलेगा। आओ आओ, जिसकी जितनी हैसियत है वो बाबा को दान कर दो। हाँ हाँ, ये करने से अगर हम लोगों की किस्मत खुल सकती है तो इसमें बुराई क्या है। आज मैं ज्यादा पैसे नहीं लेकर आई हूँ, जितने लेकर आई हूँ उतने मैं दे देती हूँ। मंगल हो, एक बार नहीं बार बार आओ, तुम सब दान करो, पुण्य करो, सबका मंगल हो। अरे ये तो चमत्कार हो गया, बारिश शुरू हो गई है। जय हो साधु बाबा जी की, जय हो चमत्कारी बाबा जी की, जय हो जय साधु बाबा जी, चमत्कारी बाबा की जय हो, चमत्कारी बाबा की जय हो, जय हो। साधु बाबा, आपके दर्शन के लिए स्वयं जमींदार साहब चलकर आए हैं। हाँ हाँ, ऐसी चमत्कारी कहानी सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। प्रजा के लोगों के खुश रहने पर जमींदार को भी खुशी होगी, जो हुआ अच्छा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा ही होना चाहिए, यही सबके लिए अच्छा है। आप जब घूमते घूमते इस गांव में आ गए हैं तो आपको हम लोग कहीं जाने नहीं देंगे। अरे पागल, ये भी भला कैसे हो सकता है। क्यों नहीं, अभी मैं यही आपके लिए एक कुटिया और एक मंदिर बनवा देता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। कुछ ही दिनों में गांव के एक हिस्से में साधु के लिए कुटिया तैयार हो गई, और उसके बाद वो साधु उस कुटिया के बरामदे में बैठकर गांव के लोगों के साथ बातें करता और उन लोगों के द्वारा लाया गया उपहार ग्रहण करता और दूर से छुपकर इन सब चीजों पर नजर रखता था ये चेला।
गांव के घर घर में घूमकर समय बर्बाद ना करके इस बार अब सही जगह पर धाबा बोल देता हूँ। बहुत दिनों से देख रहा हूँ साधु बाबा के वेश में बढ़िया कमाई हो रही है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमाई हो रही है मेरी। गांव के सीधे साधे लोगों को टोपी पहना कर मैंने लगभग ये बक्सा भर ही लिया है। अरे वाह, ये साधु बोल क्या रहा है, मैं तो सिर्फ चोर हूँ लेकिन ये तो मेरा भी बाप है। वो कहते हैं ना कि पेड़ से पत्ते खुद गिर गए लेकिन सबको लगता है कि साधु ने चमत्कार कर दिया। किस्मत से उस दिन बारिश हो गई और यहाँ मेरे घर पैसों की बारिश। अब समझ आया साधु बाबा क्यों इस बक्से के ऊपर ही बैठकर ज्ञान की बातें बताते हैं। साधु बाबा के प्राण तो उस बक्से में ही भरे हुए हैं। चोरी करके जितना मैं नहीं कमा पाया आज साधु बनकर कमा रहा हूँ, और कुछ दिन इस तरह से कमाई करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा, नहीं तो सर पटकना पड़ेगा। बेटा अरे मेरे इलाके में चोरी करने आया है, तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। भक्ति ही असली धन है, जितनी भक्ति करोगे उतना ही पाओगे, और अगर इसी तरह भक्ति और सेवा से करते रहोगे तब तुम लोगों की उन्नति कोई नहीं रोक पाएगा। जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा की जय। जय साधु बाबा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इस दान पात्र में जिसे जो दान करना है दान देकर अपने अपने काम में लग जाओ। आज भी बढ़िया कमाई हो गई है, अब मैं जाकर खाने पीने की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे रहते आप क्यों अपने हाथ गंदे कीजिएगा बाबा। अरे अब ये कौन है, कब से बगल में खड़ा है पता ही नहीं चला मेरे। आपकी वजह से ही मेरी किस्मत खुल गई है। हाँ अच्छा ये बात है, बढ़िया बढ़िया। तुम कुछ दान करने आयो क्या, जो देना है जल्दी दे दो। देने ही तो आया हूँ, पहले दूंगा फिर सब कुछ ले लूंगा। लोगे मतलब क्या लोगे। अरे आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लूंगा। अरे ऐसे बोलो, इसके अलावा और मैं दे भी कह सकता हूँ। मैं हर दिन आपको अपने हाथों से दोनों समय भोग बनाकर खिलाऊंगा, और अब जो काम बोलिएगा वो सारे काम कर दूंगा। अरे बाप रे, ये बिन मौसम बरसात कैसे हो रही है, तो अब दोनों समय खाने की समस्या भी दूर हो जाएगी, और अपने सारे काम फ्री में करवा के इस आदमी को रख लूंगा। क्या सोच रहे हैं बाबा, तो आज से ही काम पर लग जाओ। हाँ और क्या, खिचड़ी सब्जी पकौड़ी जो भी बना सको बनाकर आज जरा मेरे मुँह का स्वाद बदल दो। सिर्फ मुँह का ही क्यों, आज मैं तुम्हारा क्या क्या बदल दूंगा ये बस अब तुम देखते जाओ। खाना देने से पहले मुझे जरा अपने हाथ का काम करना पड़ेगा। बस बस इतने से मेरा काम हो जाएगा, इधर साधु बाबा खीर खाएंगे उधर मेरी ऐश हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, भोग लेकर आए हो? हाँ सजा कर लेकर आया हूँ। खाते ही नींद आ जाएगी, अरे नहीं मतलब डकार आ जाएगी। डकार? अच्छा अच्छा लाओ दो। कर दिया, मेरी नींद की दवाई ने अपना काम कर दिया। साधु बाबा बेहोश हो गए, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। पता नहीं कल रात में क्या हुआ था, खीर खाते खाते पता नहीं क्यों अचानक सिर ही चकरा गया। आए, 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 सब बर्बाद हो गया,
सब लेकर वो चला गया। अरे अरे अरे, ये तो साधु बाबा की आवाज है। साधु बाबा को हो क्या गया? चलो चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ। चलो चलो। अरे अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैंने इतने दिनों तक लोगों को ठग कर जो कुछ भी कमाया था सब गायब हो गया। गांव के लोगों को टोपी पहना कर जो भी कमाई हुई थी सब चली गई कमाई मेरी। ये बाबा क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि इतने दिनों तक बैठ बैठ कर सिर्फ हम लोगों को ठगा है? हाँ अरे तभी तो बोल रहा हूँ, कोई चमत्कार नहीं है, सब लोगों को ठगने का व्यापार है। हम लोग अब इसे नहीं छोड़ेंगे, इसी वक्त इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। मेरी आवाज सुनकर तो गांव के सारे लोग जमा हो गए यहाँ। बाबा सिर्फ जमा ही नहीं हुए, तुम्हारी सारी जालसाजी का पता भी चल गया है। और हम सब मिलकर तुम्हें आज गांव से बाहर निकाल ही देंगे। हाँ। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लोग पीठ की छाल ही निकाल देंगे, छाल की खाल बना लेंगे। इसे बोलते हैं चोर के घर में चोरी।